हे एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय फैमिली लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पपीते का रायता, जो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमने एक पपीता लिए हैं, इसे अच्छी तरह से छीलकर काट लेंगे। इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरह से हम इसे क्रस्ट कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। एकदम बारीकी से क्रस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ पपीता को ही काटे हैं, इतना हो गया है। आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब इसे हम उबाल लेंगे। अब हमने पैन में एक गिलास पानी रखे हैं, क्रश्ड किए पपीता को रखकर उबाल लेंगे। आधी चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। आप इसे कुकर में भी उबाल सकते हैं एक सीटी आने तक। लगे है इसे छान कर रख लेंगे। अब हम रायता बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेश दही लिए हुए हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को एकदम सा स्मूथ बनाना है। एक घर का हमारा दही है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी रखेंगे। अब हम दही को उबाले हुए पपीते में ऐड करेंगे। दही रखकर अच्छी तरह से इसे हम चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद हम सभी मसालों को ऐड करेंगे। एक भुना हुआ जीरा पाउडर है आधी चम्मच, एक चाट मसाला है छोटी चम्मच। इसके बाद हम काली मिर्च ऐड करेंगे पिसा हुआ, लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच रखेंगे, मिर्च पाउडर ज़्यादा या कम रख सकते हैं, नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। सभी सामग्री रखकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद हम रायते में जलजीरा पाउडर रखेंगे, इससे काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है। अब हम रायते में जीरा, राई और लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे, काफ़ी अच्छी फ्लेवर आती है रायते में। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का गार्निश करेंगे। ताकि देखने में इसका लुक काफ़ी अच्छी लगे। देख सकते हैं रायता यहाँ पर रेडी हो गया है। इसे आप रूम टेम्परेचर में रखकर 1 से 2 दिन तक लंच के टाइम खा सकते हैं।
देखने में जितनी यम्मी लग रही है खाने में उतनी यम्मी लगेगी। आज की रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।